अंग्रेजी में एक फ्रेज होता है, उसे हम कहते हैं कर्स ऑफ नॉलेज। कर्स ऑफ नॉलेज का मतलब ये होता है कि मुझे जो चीज़ आती है, मुझे लगता है कि ये तो कितनी आसान है, ये तो सबको आती होगी। तो जब मैं उसको किसी को समझाने जाता हूँ तो मैं सीधे डायरेक्टली बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देता हूँ, और सामने वाला बेचारा जिसे कोई आइडिया नहीं है वो परेशान होता जाता है। जैसे मान लो ये एक सीटी चेस्ट है, अब किसी बड़े पल्मोनोलॉजिस्ट को यदि हम दिखा दें, कोई डीएम पल्मोनोलॉजी वाला है, वो कहेगा हाँ सर इसमें राइट साइड में कुछ ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस है और लेटरल साइड पे ज़्यादा है, मीडियल में कम है, और ऐसा और वैसा है। और जो बेचारा हमारा बच्चा अभी पास होके निकला है नया नया एमबीबीएस करके या अपना ग्रेजुएशन करके, वो कहेगा अच्छा इसमें राइट इधर है क्या, पर मेरा तो लेफ्ट हैंड है, और इसमें एंटीरियर आप ऊपर बता रहे हो पर ऊपर तो हमने सुपीरियर पढ़ा था। तो वो बेचारा यहाँ अटका हुआ है और डीएम पल्मोनोलॉजी वाला उसको बता रहा है कि इसमें राइट लेटरल में यहाँ प्रॉब्लम है। यही डिफरेंस आ गया है मेडिकल एजुकेशन में और सिखाने में। कहीं ना कहीं एज अ टीचर हम लोग मानने लग गए कि हाँ बच्चे को ये तो आता ही होगा और हम उससे आगे का पढ़ाते हैं, और बच्चा बेचारा बेसिक पे अटका हुआ है। उसने जब पहली कक्षा में, मतलब एमबीबीएस की पहली कक्षा में जब ये एनाटॉमिकल पोजीशन पढ़ी थी, तब उसे याद नहीं था कि ये इस दिन इस काम आएगी। मेरा काम इसका ठीक उल्टा है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एकदम बेसिक से सिखाना शुरू करूँ, ऐसा मान के चलूँ कि ये बच्चा अभी बस 12वीं करके नीट दे के आया है एडमिशन लेने, और आज मुझे इसको सीटी स्कैन चेस्ट पढ़ाना है। तो मेरा सीटी स्कैन चेस्ट का एक कोर्स चलता है, उसमें एडवांस्ड लेक्चर्स पहले डले हुए हैं, बेसिक लेक्चर्स में अब बना रहा हूँ। तो अगर आपने एडवांस देख रखे हैं तो आप इन्हें देखने के बाद दोबारा देखना, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। यदि आपने एडवांस लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आप पहले इसे देखना, फिर इसका अगला देखना, फिर इसका अगला देखना, फिर एडवांस देखना, तो आपको लीनियरली मज़ा आएगा। तो एकदम बेसिक जब पहली कक्षा में, यानी कि फर्स्ट प्रॉफ एमबीबीएस में बच्चा आता है, तो उसे सिखाते हैं कि एनाटॉमिकल पोजीशन होती है। एनाटॉमिकल पोजीशन मतलब व्यक्ति ऐसे करके खड़ा है, दोनों भुजाएं कमर के साथ लगी हुई हैं, हथेलियां ऊपर की ओर हैं, और सर सीधा है, आंखें सामने की ओर देख रही हैं, ये एनाटॉमिकल पोजीशन है। अब इसके आगे जीवन भर हम जितनी भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी सर्जरी पढ़ेंगे वो इसी के रेफरेंस में होगी, तब उसे इसकी इंपॉर्टेंस नहीं बताई जाती पर धीरे धीरे करके उसे समझ में आती है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन में जब व्यक्ति है तो उसकी छाती की तरफ की चीज़ आगे की चीज़ एंटीरियर है, पीठ की तरफ की चीज़ पोस्टीरियर है, सिर के तरफ की चीज़ सुपीरियर है, और पैर के तरफ की चीज़ इंफीरियर है। एकदम बेसिक बात है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। इस व्यक्ति को मैं उल्टा भी टांग दूं तब भी उसका क्लेविकल सुपीरियर टू रिब्स ही रहेगा। मैं इस व्यक्ति को उल्टा लिटा दूं तो भी इसकी रिब्स एंटीरियर टू वर्टिब्रल कॉलम ही रहेंगी। जो एनाटॉमिकल पोजीशन में डिसाइड हो गया वो फिक्स है, ऐसा नहीं होगा कि पलटने पे उसकी स्थिति बदल जाएगी। बस ये एक छोटी सी बेसिक याद रख लोगे तो अभी सीटी में बहुत बड़ी चीज़ समझाऊंगा जो 1 मिनट में समझ में आएगी। तो एनाटॉमिकल पोजीशन मतलब आगे एंटीरियर, पीछे पोस्टीरियर, ऊपर सुपीरियर, नीचे इन्फीरियर। अब इस व्यक्ति को तुम आड़ा लिटा दो, सीधा लिटा दो, उल्टा लटका दो, इसका एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर यही रहेगा। अब आते हैं सीटी स्कैन पे। तो सीटी है क्या? आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि सीटी मतलब कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड आपको पता है, कंप्यूटर के द्वारा की गई। टोमोग्राफी क्या होता है? ग्राफी मतलब लिखना, टोमो मतलब काटना, एनाटोमी, या हम कहते हैं अपेंडेक्टमी, कोलिसिस्टेक्टमी। तो जहां जहां टोमी आया वहां वहां काटना आ गया। तो कंप्यूटर की सहायता से, अहिंसक तरीके से, पर्यूषण के दौरान हम किसी व्यक्ति को काट रहे हैं, दैट इज कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी मतलब कंप्यूटर की सहायता से हम उसकी इमेज के टुकड़े कर रहे हैं, उसकी 3 डायमेंशनल इमेज के हम पीसेस कर रहे हैं, दैट इज सीटी स्कैन। तो एक्सरे और सीटी प्रैक्टिकली एक ही चीज़ है, दोनों में सेम रेज यूज होती हैं। एमआरआई इज डिफरेंट, एमआरआई का जो रेज है, जो किरणें हैं वो अलग हैं, लेकिन एक्सरे और सीटी की किरणें भी एक सी ही होती हैं। लेकिन एक्सरे और सीटी में एक बुनियादी फर्क होता है, एक्सरे इज 2 डायमेंशनल एंड सीटी इज 3 डायमेंशनल। एक्सरे में अगर बीच में छाती में कहीं कोई गुठली होगी, कोई ट्यूमर होगा,
तो वो एक्सरे में आपको दिखेगा कि है, पर कितनी डेप्थ पे है ये नहीं दिखेगा, चाहे वो यहाँ हो, चाहे इसके अंदर धंसा हुआ हो, चाहे इसके पीछे पीछे तक धंसा हुआ हो, वो आपको एक्सरे में उसी एक जगह पर दिखेगा, केवल टू डायमेंशनल है। अगर जैसे इस एक्सरे को हम देखें तो ये एक्सरे एक टू डायमेंशनल फिल्म है, मैं इसे आड़ा करके नहीं देख सकता कि यहाँ बीच में क्या है, इसकी मोटाई में क्या है, जो भी चीज़ है मुझे यही नज़र आएंगी। तो सीटी में जब हम जाते हैं तो सीटी स्कैन में यही चीज थ्री डायमेंशनल हो जाती है, आपको उन दो के अलावा डेप्थ का भी एहसास हो जाता है। सीटी स्कैन इज थ्री डायमेंशनल। तो एक्सरे इज मोर लाइक अ फोटोग्राफ एंड सीटी स्कैन इज मोर लाइक अ स्टैच्यू। व्यक्ति वही है, भंगिमा वही है, महानता वही है, लेकिन यहां हम केवल दो डायमेंशन में उसको देख पा रहे हैं, जबकि यहां हम उसे तीनों डायमेंशन से देख सकते हैं। तो एक्सरे की ही किरणों को जब सीटी मशीन खींचती है तो कैसे खींचती है कि व्यक्ति को एक ट्यूब में डालती है और जल्दी जल्दी एक रोटेटर उसके आसपास घूमता है और बहुत सारे फोटो विद इन अ स्मॉल सेकंड खींच लेता है। तो एक छोटे से समय के दौरान, मुश्किल से कुछ सेकेंड्स के भीतर, सीटी मशीन इंसान के चेस्ट के ऊपर से नीचे तक ढेर सारे फोटो खींच लेती है, फिर कंप्यूटर उन फोटोग्राफ्स को जोड़ के आपको तरह तरह के व्यूज़ बना के देता है। जबकि इसी के कंपैरिजन में हम एक्सरे की बात करेंगे तो एक्सरे सिर्फ एक फोटो खींचता है, टू डायमेंशनल खींचता है। तो सीटी स्कैन में जो फोटोग्राफ्स या कि इमेजेस खींचती है उन्हें हम तीन प्लेन्स में देख सकते हैं, क्योंकि थ्री डायमेंशनल है तो इसमें प्लेन्स भी आ गए। प्लेन्स मतलब क्या? तीन प्लेन्स हैं, आपने पढ़े थे फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में, क्या क्या है? कोरोनल, सजाइटल और ट्रांसवर्स। फिर से पढ़ाऊंगा। कोरोनल मतलब जब किसी व्यक्ति को हम ऐसे काटते हैं, ऐसे काटते मतलब ऐसे 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 अंदर इस वर्टिकल डायमेंशन में हम यदि काटना शुरू करें तो वो कोरोनल प्लेन है। कोरोनल प्लेन में यदि हम किसी को सीटी स्कैन में काटेंगे तो कैसा दिखेगा? यहाँ पे ये आपको व्यक्ति दिख रहा है, अगर एकदम बाहर के बाहर हमने सिर्फ छिलका उतारा है ऊपर का, तो आपको रिब्स दिखेंगी, स्टर्नम दिखेगा और मसल्स दिखेंगी। सीटी स्कैन में देखने जाओगे तो आपको बस ऊपर ऊपर का हिस्सा दिखेगा, स्टर्नम बहुत अच्छे से दिखेगा, आसपास की दो हड्डियाँ दिखेंगी। दिस इज योर कोरोनल व्यू का बिगिनिंग। लेकिन अब अगर आप इसमें और अंदर जाएंगे, धीरे धीरे यदि हम इसको और काटें, एक एक फांक और अंदर काट लें, तो आपको इसके थोड़ा सा अंदर का दिखेगा। अब आपको थोड़ा सा हार्ट बाहर झांकता दिख रहा है। अब आपको यहाँ भी देखने जाएंगे तो थोड़ा सा हार्ट दिखना शुरू हो गया, थोड़े से लंग्स दिखने शुरू हो गए, जबकि पहले आपको केवल स्टर्नम ही दिख रहा था इसमें। इसी में आप थोड़ा और डीप चले गए तो आपको हार्ट अब बहुत क्लियरली विजुअलाइज हो रहा है, आपको उसकी वेसल्स जो तीनों ऊपर निकल रही हैं, आपकी कैरोटिड्स दिखाई दे रही हैं और आपको बहुत तमाम चीज़ें अंदर दिख रही हैं। और आप अंदर जाते हो, आप और एक लेवल चले गए हो, और आप अंदर जाते हो, अब आपको पीछे की अयोटा और पोस्टीरियर चीज़ें दिखने लग गई हैं। बिल्कुल डीप में चले गए, अब यहाँ आपको केवल अयोटा दिख रही है और यहाँ पे आपको केवल वर्टिब्रल कॉलम दिख रहा है। ये अयोटा, ये वर्टिब्रल कॉलम, ये अयोटा, ये वर्टिब्रल कॉलम। तो कोरोनल प्लेन में जब हम व्यक्ति को काटते हैं तो हम ऐसे काट रहे हैं और हर फांक के साथ हम और डीप और डीप और डीप जा रहे हैं, और उस डेप्थ में जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें सीटी स्कैन में दिखाई दे रहे हैं। ये हुआ कोरोनल व्यू सीटी चेस्ट का। हम कॉमनली कोरोनल सजाइटल उतना यूज नहीं करते, हम ट्रांसवर्स में ही देखते हैं चीजों को, पर आपको आना चाहिए इसलिए बता रहा हूं। अब ऐसा ही सजाइटल व्यू। सजाइटल मतलब क्या कि अभी तक हम ऐसे काट रहे थे, अब अगर हम ऐसे काटना शुरू करें कि कंधे के लेवल पे काटा और अंदर गए और अंदर गए और अंदर गए और काटते हुए अंदर आए, तब कैसा दिखेगा? यहां देखते हैं, ये सजाइटल व्यू है। अब सजाइटल व्यू को आप देखने जाओ, एकदम बाहर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेंगी ये छोटी छोटी सी वेसल्स जो लंग्स के बिल्कुल एंड तक आ रही है, आपको दिख रहा है एक बड़ा सा डायफ्राम और दूर कहीं हार्ट है। इसी व्यू को आप थोड़ा सा अंदर जाओगे तो क्या दिखेगा? आप थोड़ा सा और अंदर काट के गए तो अब आपको हार्ट की तरफ के हिस्से ज़्यादा अच्छे दिखना शुरू होंगे, आपको अयोटा बहुत अच्छी दिख रही है, आपको वर्टिब्रल कॉलम अब दिखना शुरू हुआ, आपको स्टर्नम बहुत क्लियरली दिख रहा है क्योंकि आप ऑलमोस्ट मिड लाइन पर आ गए हो। आप उसके पार चले गए, आपको वर्टिब्रल बॉडीज, स्पाइंस दिखने लग गई, और अंदर चले गए आपको और डेप्थ की चीज़ें दिखने लग गई। तो सजाइटल में आप व्यक्ति को ऐसा आड़ा काट रहे हो और जैसे जैसे आप भीतर जा रहे हो आपको उसकी डेप्थ के हिसाब से चीजें दिख रही हैं। यहां तक भी क्लियर है? हम जो सीटी देखते हैं वो व्यक्ति का ट्रांसवर्स सेक्शंस ज्यादा देखते हैं। तो ट्रांसवर्स मतलब क्या
ऊपर से ऐसे काटना, मतलब कला काटो, उसके नीचे काटो, उसके नीचे काटो, उसके नीचे काटो, उसके नीचे काटो, ऐसा। सीटी मशीन में याद रखना कि व्यक्ति आड़ा अंदर जाता है, मतलब पैर बाहर सर अंदर, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसका छाती सुपीरियर हो गया है, उसका छाती अब भी एंटीरियर है, उसका वर्टिब्रल कॉलम अब भी पोस्टीरियर है, उसका सिर अब भी सुपीरियर है, उसके पैर अब भी इन्फीरियर हैं, बस हम इसे स्लाइस कर रहे हैं, जैसे ब्रेड की स्लाइस करते हैं ना, फांके करते हैं, एग्जैक्टली हम उसे स्लाइस कर रहे हैं। इसीलिए तो आपने सीटी में सुना होगा 64 स्लाइसेस या 128 स्लाइसेस। जितनी ज़्यादा स्लाइसेस उतना अच्छा सीटी स्कैन। क्यों? क्योंकि मान लो अगर कोई छोटी सी गुठली है, कोई छोटा सा ट्यूमर है, कोई नोड है जो यहाँ पे फंसा हुआ है, इतना सा, हो सकता है कि अगर बड़ी बड़ी स्लाइसेस करूँ तो वो उनमें निकल जाए और दिखे नहीं मुझे, लेकिन जितनी बारीक स्लाइसेस करूंगा उतने छोटे नोड्स, उतने छोटे नोड्यूल्स, उतने छोटे लीजन्स मुझे दिख जाएंगे। तो जिस अस्पताल में, जिस मशीन में ज़्यादा स्लाइसेस हैं वो सीटी ज़्यादा अच्छे हैं। आजकल स्टैंडर्ड 64 तो हो ही गए हैं, 128 के भी आते हैं। तो जितनी बारीक स्लाइस उतना अच्छा सीटी स्कैन। और एक स्टेप आगे चले गए लोग, उन्होंने स्पाइरली काटना शुरू कर दिया कि बिना स्लाइस को अलग किए ऐसा 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 करके हर चीज़ पकड़ ली जाए कि एकदम बारीक 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 स्पाइरल स्लाइसेस काट ली हमने और हमें हर छोटी से छोटी चीज़ सीटी की दिखाई दे गई। तो अब हम कैसा काट रहे हैं? हम ट्रांसवर्स काट रहे हैं। तो हम कैसा काटना शुरू करते हैं? नेक के लेवल से काटना शुरू करते हैं और फिर एक एक स्टेप अंदर जाते हैं। दिखाता हूँ आपको वो भी। तो ये हमारा व्यक्ति है सीटी की मशीन में, ये इसका सीटी चल रहा है और ये व्यक्ति पैरेलली आपको दिखाई दे रहा है। एक बार सीधा करके आपको दिखाऊंगा कि सीधा यदि हम इसको करेंगे तो इसका राइट यही है, इसका लेफ्ट यही है, इसका सुपीरियर ऊपर है। अब अगर हमने इसको आड़ा भी लिटा दिया तो इसका राइट तो यही रहेगा ना, इसका लेफ्ट वही रहेगा। तो सीटी स्कैन में भी राइट वही रहेगा और लेफ्ट वही रहेगा। अब हमें कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि सीटी में राइट कहाँ है और लेफ्ट कहाँ है, क्योंकि व्यक्ति वैसा का वैसा ही है, हमने बस उसे आड़ा लिटा दिया है, उसका राइट उसी साइड है, उसका लेफ्ट उसी साइड है, बस उसका एंटीरियर पोस्टीरियर थोड़ा सा बदल गया है, क्योंकि ये जो एंटीरियर था वो अब लेट गया है, तो एंटीरियर ऊपर की तरफ आ गया है, पोस्टीरियर नीचे की तरफ आ गया है। तो सीटी में आप जब भी देखोगे आपको पोस्टीरियर लोब्स नीचे दिखाई देंगे, आपको पोस्टीरियर लोब्स या पोस्टीरियर पार्ट जो है लंग्स का वो नीचे दिखाई देगा। इसीलिए आप इस मरीज को यदि उल्टा लिटाते हो तो आप प्रोन वेंटिलेशन करते हो, वो सारी कहानी फिर कभी। तो यहां तक हमको समझ में आया कि राइट और लेफ्ट वही का वही रहेगा, बस जो एंटीरियर है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, जो पोस्टीरियर है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। अब इसको और डेप्थ में लेके जाते हैं, इसे हम ऊपर से काटना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेवल पे, आप जब नेक के लेवल पे देख रहे हो, काट रहे हो, तो आपको क्या क्या दिख रहा है? आपको ये स्टर्नम की हड्डी दिख रही है, यहां मुझे भी दिख रही है, ये जो आपको एक बड़ा सा पाइपलाइन दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? मुझे लगता है ट्रेकिया होगा, ये ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया है। तो हम देखते जाते हैं कहां कहां क्या क्या है। ये हाँ, ये ट्रेकिया जैसे लग रहा है, ये भी ट्रेकिया ही होगा। यहां आसपास दोनों साइड्स लंग्स दिख रहे हैं, यहां भी दिख रहे हैं। तो ऐसे करते 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 आप भीतर जाते हो और अंदर गए एक लेवल, तो आपको कुछ और चीजें दिखाई देना शुरू की। ये वो जगह है जहां से वो तीनों पाइपलाइंस निकल रही हैं आपकी। कौन कौन सी? वो दोनों तीनों कैरोटिड और क्या ब्रेकियोसिफेलिक निकलती है, वही लग रहा है मुझे तो देखने में। यहां भी आपको दिखेगा वही। और नीचे गए, ये आपको थोड़ा सा आर्च ऑफ एओर्टा दिखने लगा, यहां भी दिख रहा है। और नीचे जाओगे तो आपको क्या दिखेगा? पल्मोनरी आर्टरी दिखेगी, देखते हैं। और डेप्थ में जाते हैं थोड़ा सा, और नीचे जाओ, ये आर्च ही बेहतर दिखना शुरू हुआ। अब कहीं कहीं पल्मोनरी आर्टरी भी बननी शुरू हो रही है। यहाँ इधर आपको बीच में ट्रेकिया तो दिख ही रहा है, ये पाइपलाइन जिसमें एयर भरी है। फिर और क्या दिख रहा है? ये देखो, ये आर्च ऑफ एओर्टा एकदम क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो, ये दोनों असेंडिंग डिसेंडिंग दिखने लग गई। तो आप कोरिलेट कर सकते हो कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हो आपको और क्या क्या दिखाई दे रहा है। अब यहाँ इस लेवल पे देखो, ये पल्मोनरी आर्टरी के बाइफर्केशन आपको दिखना शुरू हुए। अब आप अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म ढूंढने जाओगे तो वो आपको इस लेवल पे मिलेगा। और नीचे आओ, और नीचे आओ, धीरे धीरे करके और नीचे आते हैं। अब क्या दिख रहा है आपको? ये देखो, ये आपका ट्रेकिया है, ये दोनों कराइना के लेवल पे डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से सीटी में हम जितने लेवल पे काटते जाएंगे उस लेवल की चीजें हमें दिखती जाएंगी। ये देखो,
यहाँ आप कहाँ गए, इधर आपको हार्ट के वॉल्स और चेम्बर्स दिख रहे हैं, इधर आपको मेजर वेसल्स दिख रही हैं, यहाँ आपको ट्रेकिया कराइना दिख रहे हैं, और नीचे आ गए आप, और नीचे आओ, हाँ अब हार्ट के आप एकदम बेस पे आ गए हो, बिल्कुल इंफीरियर वॉल आपको हार्ट की दिख रही है, यहां आपका वर्टेब्रल कॉलम एकदम क्लियर हो गया है। अब आप और एक लेवल नीचे है और थोड़ा सा नीचे आके आप ऑलमोस्ट डायफ्राम के लेवल पे आ गए हो। अब आपको जो चीजें दिख रही हैं वो आपको एब्डोमिनल ऑर्गन्स दिखना शुरू हो जाएंगे, जो हार्ट है आपको लिवर जैसी चीजें भी दिखना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से काटते 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 जब हम नीचे आते हैं और अब हम इस व्यक्ति को यदि सीधा करके देखें तो हमें समझ में आएगा कि इसे हमने यहां से काटना शुरू किया था और अब हम इसे काटते काटते यहां तक ले आए हैं। तो जो हमारे सीटी के व्यूज थे, जो हमें 6-7-8 एक साथ दिखते थे, वो हमें क्या दिखा रहे हैं, सबसे पहला व्यू जो था सबसे छोटा वो हमें एकदम बिल्कुल नेक के लेवल पे दिखा रहा था, लंग के एपेक्स है या थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा है। फिर जैसे जैसे हमारे व्यूज बढ़ते जाते हैं वैसे 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 हम और डेप्थ में उतरते जाते हैं और उसके रिलेटिव हमको और चीज़ें भी दिखना शुरू हो जाती हैं। अब किसी भी लेवल पे यदि हम देखने जाएं, ये वाला हिस्सा राइट है, ये वाला हिस्सा लेफ्ट है, ऊपर का हिस्सा जो है वो एंटीरियर है, पीछे का जो हिस्सा है वो पोस्टीरियर है, जो ये वाला हिस्सा है मिडलाइन की तरफ वो मीडियल है, जो बाहर वाला हिस्सा है वो लेटरल है। तो एंटीरियर पोस्टीरियर राइट लेफ्ट मीडियल और लेटरल, अगर इतनी टर्मिनोलॉजी क्लियर है तो हम एक्सरे में किसी सीटी में किसी भी लीजन को डिफाइन कर पाएंगे, हम कह पाएंगे कि हाँ साहब इसको बिल्कुल नीचे के लेवल पे, मतलब इस लेवल पे आके लोअर लोब्स में कहीं खूब सारा पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो रखा है, या इसमें वो हनी कुंब दिख रहे हैं या क्या दिख रहे हैं, वो सारी बातें हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। पर लीजन कहाँ है ये हम बता सकते हैं कि हाँ साहब ये लेफ्ट लोब में है, मोर टूवर्ड्स लेटरल साइड है, लेकिन यहाँ से इस लेवल से शुरू हुआ करीब तीसरे चौथे लेवल से, फिर और गहरा हो गया है, फिर और गहरा हो गया है। तो नाउ वी कैन एटलीस्ट नो कि हाँ राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है, नाउ वी नो कि किस लेवल से शुरू हो रहा है, किस लेवल तक खत्म हो रहा है, हमें कम से कम सीटी का थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर समझ में आएगा। इसके अगले लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि डेंसिटीज क्या होती हैं और कैसी दिखाई देती हैं, मतलब सीटी स्कैन में एयर कैसी दिखती है, ब्लड कैसा दिखता है, बोन कैसी दिखती है या मेटल कैसा दिखता है। फिर हम आगे जाएंगे लीजनोलॉजी में, लीजनोलॉजी में हम देखेंगे कि सीटी स्कैन में जो 5-6 तरह के कॉमन लीजन्स हैं कि नोड्यूल्स कैसे दिखते हैं, हनीकूम कैसा दिखता है, सिस्ट कैसी दिखती है, फाइब्रोसिस कैसा दिखता है, और उसके अगले लेवल पे हम पढ़ेंगे कि किस बीमारी में क्या चीज़ दिखाई देती है। तो ये हमारा पैटर्न रहेगा इस कोर्स का, बने रहिएगा। अगर आप इस लेक्चर को YouTube पे देख रहे हैं तो मेरे कोर्स का लिंक नीचे डला हुआ है, अगेन मेरे सारे कोर्सेज 100-200-400 रुपए के होते हैं, वो 100-200-400 रुपए भी एक कमिटमेंट है, मैं उसको पूरा YouTube पे भी फ्री में डाल दूं पर कोई नहीं देखेगा। क्या होता है, आप भगवान के मंदिर में 10 रुपए चढ़ा के आते हो, ना आपका उस 10 रुपए से कुछ फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ना भगवान का कोई फ़ायदा नुकसान हो रहा है, पर वो आपके और ऊपर वाले के बीच का कमिटमेंट है, एक सौदा है। आप 50 लाख का मकान खरीदते हो 20,000 का एडवांस देके, तो ये वैसी ही चीज़ है, ये आपके और मेरे बीच का एक अग्रीमेंट है कि अगर आपने उसमें 100-200 रुपए खर्च कर लिए तो आपको मजबूरी में देखना पड़ेगा कि नहीं तो यार पैसे डूब जाएंगे अपने। मैं भी यही चाहता हूँ कि भले पैसे डूबने के बहाने देखो पर देख लो। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही।